नेहरू नगर और अंजुरा के बीच नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर स्थानीय CG07 पासिंग वाले वाहनों से की जा रही वसूली को लेकर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किए गए प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केश चौहान ने प्रदर्शन को अपनी राजनीतिक चमकाने वाला प्रदर्शन बताते हुए सवाल उठाया कि अगर टोल नाके पर टोल लेना असंवैधानिक था तो एक साल से कांग्रेसियों ने विरोध क्यों नहीं किया। CG07 सीरीज वाले वाहनों को टोल फ्री क्यों नहीं करवाया गया, प्रदर्शन को लेकर केश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। अभी जो ये टोल प्लाजा में प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में, जो कि भिलाई के जिला अध्यक्ष हैं और वहां के जिला भिलाई के ही जो जनप्रतिनिधि हैं वही उसमें शामिल नहीं है, तो इसका क्या मायने निकाला जाए। और दूसरी बात यह है कि ये दुर्ग में आता है और दुर्ग के विधायक अभी तक क्या कर रहे थे, नदारद थे, जबकि ये एक साल से ये जो टोल लिया जा रहा है ये सरासर अपनी खुद की राजनीति चमकाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका कोई भी जनता के से सरोकार नहीं है, जनता की तकलीफों को देख के नहीं किया जा रहा है। अगर जनता की तकलीफों को देख के किया जा रहा होता तो बात अलग होती। दूसरी बात यह है कि कल जब आपको मुकेश चंद्राकर जो भिलाई के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनको चार बार अगर टोल टैक्स पटाना पड़ा तो उनका गुस्सा इतना फूट गया, क्या आपकी संवेदनशीलता भिलाई के या दुर्ग के नागरिकों के प्रति नहीं है? और अगर संवैधानिक तौर पे अगर ये गलत था तो क्यों ऐसा नहीं किया गया कि एक साल से आप लोग मौन थे? यही तो बात है, यही मेन बात है कि एक साल से आप लोग क्यों मौन थे कि इसको जो प्लाजा टोल प्लाजा है उसमें 07 की गाड़ियां क्यों फ्री नहीं की गई, क्यों जबकि 08 की गाड़ियां फ्री हैं, 04 की भी गाड़ियां फ्री हैं अपने अपने जिलों में और दूसरी जिलों में भी वहां की स्थानीय गाड़ियां फ्री हैं, तो आप क्या कर रहे थे? मेन बात यह है कि आपको अपनी नहीं खुद की राजनीति चमकानी है, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं।